हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारा आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मेरे जो इरिडेशन चार्जेस वो 5 दिन से कुछ नहीं खाई है, 6 दिन से कुछ नहीं खाई है, 10 दिन से कुछ नहीं खाई है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो इरिडेशन चार्जेस होती है वो कितना दिन तक बिना खाए रह सकती है। ये जो एक प्रॉब्लम है इरिडेशन चार्जेस में, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर इरिडेशन चार्जेस ऐसे अपने लाइफ में बहुत बार करती है, और अगर आप इस इरिडेशन चार्जेस को बहुत साल से रखे होंगे तो आपको तो इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होगा कि एक इरिडेशन चार्जेस है वो बहुत सारे छोटे छोटे रीजन की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, और स्ट्रेस में आने की वजह से खाना कम्प्लीटली बंद कर देती है। कई कई बार नया फिशेज भी अगर आप बाय करके लाते हैं तो उस नया फिशेज को आपके टाइम में एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिस टाइम पे भी वो 15 दिन 10 दिन कम्प्लीटली कुछ नहीं खाती है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक इरिडेशन चार्जफिश मैक्सिमम कितना दिन तक बिना खाए रह सकती है। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल रखिएगा जिससे कि आपको हमें आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इरिडेशन चार्जफिश जो होती है ये एक कैटफिश के फैमिली से बिलोंग करती है। ये जो फिश होती है बहुत ही काम, बहुत ही लविंग फिश होती है। मुझे ये फिश बहुत ही ज्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ इट्स बिहेवियर, क्योंकि ये फिश किसी भी फिश को आप देखिएगा नहीं, बुली करेगी, परेशान करेगी, चेस करेगी। लेकिन ये फिश जो होती है कभी कभी दूसरे रीजंस के वजह से, जैसे कि अगर आप पानी चेंज करते हैं, नया एनवायरनमेंट में एक फिश को डालते हैं, तो उस टाइम पे ये फिश क्या करती है, कम्प्लीटली खाना एकदम बंद कर देती है। और ये 5 से कम 45 डेज तक, कई कई बार 45 डेज तक भी कुछ भी नहीं खाती है। ये जो फिश है ये कितना दिन का फूड स्ट्राइक करती है, कितना बड़ा होगा, ये कम्प्लीटली आपके फिश के ऊपर डिपेंड करता है। उसको कितना जल्दी अगर उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा तो वो तुरंत खाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन वही अगर उस फिश का स्ट्रेस कम नहीं होगा, कोई भी रीजन से वो कंटिन्यूसली स्ट्रेस में अगर आते रहेंगे, तो इस रीजन से वो क्या होता है, कई कई बार बहुत दिन तक कुछ भी नहीं खाती है, कम्प्लीटली खाना बंद कर देती है। और मैं अपने लाइफ में जो मैक्सिमम देखा हूँ एक इरिडेशन चार्जफिश कितना अंतर नहीं खाई है, वो है 45 डेज तक। मैक्सिमम मैं देखा हूँ एक इरिडेशन चार्जफिश थी वो कम से कम 1 फीट की थी, तो वो इरिडेशन चार्जफिश एक नया जगह पर जब मैं उसको डाला तो वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ गई, क्योंकि वो जो फिश थी मैं एकदम छोटे 1 इंच 2 इंच की थी, तब से मेरे पास में थी वो, और तब से वो एक ही टैंक पे थी। लेकिन अचानक से जब उसको मैं एक बड़े फिश पॉन्ड पे डाला, पता नहीं क्या हो गया, उसका स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया, वो उस पॉन्ड पे इतना ज्यादा डरी हुई रहती थी, तेजी से स्विम करती थी, बहुत ज्यादा हर छोटे छोटे एक्शन से इतना ज्यादा डर जाती थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो फिर धीरे धीरे करके 45 डेज तक ले रही थी, 45 डेज तक वो कुछ भी नहीं खाई थी। उसको खाने का मन होता था, वो कुछ आती थी, लेकिन वो पैलेट्स को देख के फिर वापस चली जाती थी, पता नहीं उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते थे। लेकिन वो जो फिश है मैक्सिमम 45 डेज तक गई, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं जब नॉनवेज वगैरह देने लगा तो फिर धीरे धीरे करके नॉनवेज वगैरह एक्सेप्ट की, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वो पैलेट्स वगैरह एक्सेप्ट करने लगी। अभी जो भी आप वीडियो देख रहे थे वो वही फिश के बारे में था। एक जो इरिडेशन चार्जफिश होती है वो कितना दिन तक नहीं खाएगी वो कम्प्लीटली आपके फिश के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आपकी फिश बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, और अगर आपके फिश में इनफ फैट वगैरह, बहुत अच्छा डाइट वगैरह अगर अपने फिशेस को देते हैं, तो ऐसे टाइम पे एक जो फिश वो बहुत बहुत दिनों तक भी नहीं खाती है अगर उसके पास अच्छा फैट स्टोर वगैरह हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इरिडेशन चार्जफिश के साथ नहीं है, ये कई कई बार एरवाना फिश जो होती है वो भी करती है, फूड स्ट्राइक में चली जाती है, वो कई कई बार 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक कुछ भी नहीं खाती है। और उस टाइम पे वो जितना भी उसका फैट वगैरह उसके बॉडी पे रहता है उस फैट वगैरह को कंज्यूम करती है और उतना दिन तक सरवाइव करती है। और अगर आपके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है कि आपकी जो इरिडेशन चार्जफिश है वो 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 15 दिन से कुछ भी नहीं खाई है, तो अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा पहले से एक वीडियो है, उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो को भी आप जरूर से देखिएगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लीजिएगा तो मे भी हो सकता है वो जो इरिडेशन चार्जफिश है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाए और मर जाए। इसलिए अगर आपके फिश भी ऐसा कर रही है तो आपको जल्द से जल्द उसको वापस आदत दिलाना होगा पैलेट्स खाने का, या फिर फूड वापस एक्सेप्ट करने का। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी इन्फॉर्मेशन था आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है फिश रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो मेरा रिप्लाई वो हमेशा की तरह इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बींग विथ मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।